हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। जिस फोल्डर को लॉक करना है उस फोल्डर पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे मेरे पास ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन है तो इसके ऊपर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, उस प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आएगा जनरल शेयरिंग सिक्योरिटी, तो हमें सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एडिट का ऑप्शन आएगा, हमने एडिट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन है इसको टिक मार्क कर लेना है। इस तरह टिक मार्क करने के बाद इसको अप्लाई और यस ओके कर लेना है। इस तरह करने के बाद हमारा जो फोल्डर है वो लॉक हो जाएगा। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो जो इसके अंदर का डाटा है उसको सेव शो नहीं करेगा। इस तरह कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और जो हमारा डाटा है वो ओपन नहीं होगा। तो इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हमें फोल्डर पर राइट क्लिक कर लेना है और सेम प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी कर लेना है और सिक्योरिटी एडिट और लास्ट वाला और इसको अनटिक कर लेना है। अप्लाई ओके ओके। तो करने के बाद जो हमारा डाटा है वो शो हो जाएगा। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डाटा को सेव और अलग से सिक्योरिटी दे सकते हो, जिससे आप ही अपने डाटा को शो कर सकते हो, देख सकते हो, अदर पर्सन उसको शो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर